बुजुर्ग माँ और भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुजुर्ग माँ और भाई की हत्या करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक दिन पहले घटना हुई थी जिसमें आरोपी ने बुजुर्ग माँ और भाई की फावड़ा मार कर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसमें हत्या कर आरोपी फरार हो गया था। इस घटना को देखते हुए शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौर ने 10,000 रूपये का इनाम घोषित कर पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा को टीम गठित करने के निर्देश दिए और शर्मा ने 5 टीम गठित कर अलग अलग जगह दबिश दी। तो मायापुर पुलिस ने आरोपी को मक्का के खेत से गिरफ्तार किया है और आरोपी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि घटना मैंने अपने जमीनी विवाद को लेकर अंजाम दिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। सर, एक मामला सामने आया था जहां एक व्यक्ति ने अपने बुजुर्ग माँ और भाई की हत्या की थी, उसको गिरफ्तार किया है, पुलिस ने पढ़ाई चढ़ाई निकाला था, क्या कुछ करेंगे? ये कल दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को मायापुर थाना के अंतर्गत मेनवाड़ा करके एक गाँव है, वहाँ पर आरोपी राजवंत सिंह ने जमीनी विवाद के पैसों के कारण अपनी माँ और अपने भाई की हावड़ा मारकर निर्मम हत्या कर दी थी और आरोपी फरार हो गया था। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया और एसपी सर ने 5 अलग अलग टीमें बनाई और 5ों टीमें अलग अलग आरोपी की तलाशी में जुट गईं और एसपी सर ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था। और कल देर रात को मायापुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया और किस वजह से जो हत्या जी, आरोपी ने पूछताछ पर यह बताया कि उसके भाई ने अभी कुछ दिन पहले अपनी जो जमीन थी वो बेच दी थी और जमीन की बेचने के बाद जो पैसा मिलना था तो आरोपी ये कह रहा था कि इसमें से हमको भी आप कुछ राशि दो, जबकि माँ और भाई का ये कहना था कि आपका जब इसमें हिस्सा नहीं बनता है तो हम इसमें से आपको राशि क्यों दें। तो इसी पर से कल सुबह उनका आपस में पहले विवाद हुआ, फिर विवाद हुआ, फिर आरोपी ने आवेश में आकर इस घटना को अंजाम दिया।